हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो कांटेक्ट करें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 आपका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक क्या करना है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हमें एक बार क्या होता, कोई भी अगर हमें तरीका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता, हमारा क्या होना चाहिए, एक एम तो होना चाहिए ना हमेशा कि ऐसे ही हम मैं बोल दूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो आप स्टार्ट कर दो। नहीं यार, हमें उसके बारे में पहले मालूम करना चाहिए कि हमें क्या उसमें क्या टॉपिक है, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो क्या ऐसे ही आप कहीं भी अंधाधुंध चले जाओगे? नहीं, पहले से हमें डिसाइड करके रखना पड़ता है ना, पता लगाना पड़ता है कि हमें क्या बनना है। और क्या, अगर मान लो अगर आपको वो जो चीज़ बनना है तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए उस रास्ते में क्या क्या आएगा, कौन कौन से मतलब हमें पढ़ाई करने पड़ेंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक पहला है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एंड थर्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन फिफ्थ नंबर एंड लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इन रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। नाउ देखो, आपके यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे दिखता है, ये सब के बारे में हमें पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। फिर क्या हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन, वी हैव ऑफन सीन दैट सम सब्सटेंस वेन मिक्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। देखो, अगर कभी भी आप अपने घर में भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम क्या करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है। जैसे कि देखो, इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ टी वी एड शुगर मिल्क एंड वाटर। अब घर में आपको अगर चाय बनानी है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बोलो टी बनाने के लिए उसमें शुगर ऐड करना पड़ता है, मिल्क ऐड करना पड़ता है, वाटर ऐड करना पड़ता है, देन ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू टी। ऐसा तो है नहीं बिना ऐड किए आप क्या करोगे, बना दोगे एक जगह, क्या कर रखो चाय, अगर चाय बनाना है एक जगह से शुगर रख दो, मिल्क रख दो, वाटर रख दो, अपने आप तो ऐसे बन नहीं जाएगा। क्या करना है, वी हैव टू मिक्स देम, देन आप उनके बीच में एक रिएक्शन होगा, उसको हीट किया हमने, हीट करने के बाद क्या हो गया, वो टी में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या होगा, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल, लाइकवाइज देखो, लाइकवाइज इफ वी यू ऐड 1 स्पून ऑफ कर्ड। देखो अपने घर में दही बनाने, देखो मम्मी क्या करती है, जब दही बनाती है तो क्या करती है, पहले दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेती है, ठीक है, उस गर्म थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध अगर गर्म रहता है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, 1 स्पून ऑफ कर्ड दे हैव टू मिक्स देम, देन क्या करते हैं कुछ समय के, मान लो अगर वो रात को क्या किए, मिक्स करके रख दिए, तो सुबह सुबह देखोगे कि आप क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। तो ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, दो सब्सटेंस को मिक्स किया, तब जाके क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो देखो हमने क्या कंक्लूड क्या किया इन दोनों से, जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, दैट दे आर थोरली मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो हम इस थोरली मिक्स करते हैं जो सब्सटेंस को, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। नाउ डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म सब न्यू सब्सटेंस। क्या कर रहा है, उनके बीच रिएक्शन हो रहा है ना, तो वही मतलब रिएक्ट करेंगे, दो सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी मिक्स करो, चार भी मिक्स करो, तो क्या होगा कि कम से कम एक नया सब्सटेंस में से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चाय में दूध डाला, मिल्क डाला, वाटर डाला एंड शुगर डाला, तो क्या हुआ, वही का वही रह जाएगा, दूध दूध रह जाएगा, पानी पानी रह जाएगा, शुगर शुगर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा।
तो देखो डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो मैंने मान लो एक तुम्हारा ए कोई है, ठीक है, इस ए को मैंने क्या किया बी के साथ मिक्स किया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, या फिर मैंने क्या किया ए और बी को मिक्स कर दिया ए बी फॉर्म हो गया, या फिर मैं ऐसे कोई भी दो मैं मिक्स कर सकता हूँ ना, मैं बी और सी को मिक्स किया ए फॉर्म होता है, कुछ भी क्या होता है अगर दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन के आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ उनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब देखो ए बी क्या है, मैंने यहाँ पे देखो ए बी ए प्लस बी मतलब दो को क्या कि हमने एक दूसरे में मिक्स किया तो क्या बन गया यहाँ पे सी बन गया है। तो देखो इसमें अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है तुम्हारा रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब देखो जिसको हम मिक्स करते हैं द सब्सटेंस दैट आर मिक्सड इज नोन एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, इज नोन एज अ रिएक्टेंट। एंड देखो प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्मड ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट। तो देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे ए लिया बी लिया, इसको क्या हुआ रिएक्शन हुआ तो ये सी बना। तो यहाँ पे देखो ए और बी, ए जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बताया रिएक्टेंट द सब्सटेंस दैट आर मिक्सड इज नोन एज अ रिएक्टेंट, जिसको हमने मिक्स किया भाई इन दोनों को मैंने, अब मैंने जैसे आपको चाय का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो जो उसमें क्या करते हैं हम मिल्क और क्या ऐड करते हैं वाटर एंड क्या ऐड करते हैं उसमें शुगर, तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई उसमें रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ उसमें टी, वो जो चाय बना वो तुम्हारा क्या था प्रोडक्ट था, इसमें एक सी है ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल देखो ए एंड बी आर द रिएक्टेंट एंड सी इज द प्रोडक्ट। नाउ अब देखो और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड वो भी क्या है एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, हमारी बॉडी में अलग टाइप की बहुत सारी इनफाइनाइट मतलब इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो हमको क्या करते हैं पता नहीं, इतनी कुछ केमिकल रिएक्शन तो इतना होते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, हमारे मन की गति से भी ज़्यादा स्पीड से भी ज़्यादा क्या होती है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो रेस्पिरेशन देखो रेस्पिरेशन भी क्या है एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है ये, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना होगा कि कभी देखो घर में क्या है कोई लोहे की वस्तु पड़ी आयरन की तो कभी कभी देखो कि उसमें थोड़ा सा अगर भेज लग जाता है तो क्या होता है वो कि उसमें थोड़ा ब्राउन कलर का रस्ट लग जाता है और धीरे धीरे वो जो तुम्हारा आयरन का जो भी सामान है वो धीरे धीरे क्या होता है कमज़ोर होते जाता है। नाउ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम देखो अलग अलग टाइप का था, अगर हम रिबन उसके बर्न करें तो देखो क्या होता है कि बर्न होते हुए वो बहुत ही मतलब वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह वो बर्न होता है। अभी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को हम एक एक्टिविटी द्वारा देखेंगे आगे। फॉर्मेशन ऑफ कण मैंने आपको बताया ही, ए बी क्या है केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है देखो लेट सी फ्यू एक्टिविटी रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। अब हमें केमिकल रिएक्शन को क्या समझने के लिए क्या करना है दो तीन एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें क्या है केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे बनाया है ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। देखो क्या करना मैग्नीशियम जो रिबन हो मैग्नीशियम जो होता है ना हमारे एलिमेंट, आपको पढ़ा ही होगा आप 9th में पढ़ा होगा मैग्नीशियम कॉपर सल्फर ये सब क्या है एलिमेंट है। तो ये मैग्नीशियम जो है अलग अलग फॉर्म में आता है लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे रिबन के फॉर्म में क्या करेंगे लेंगे। तो देखो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हम क्या करेंगे 3-4 सेंटीमीटर क्या करेंगे मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं और उसको क्या करेंगे सैंड पेपर से रब कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ना तो उसमें क्या होता है कार्बोनेट की लेयर चिपक जाती है, इसकी लेयर जैसे ये मैग्नीशियम है इसमें क्या होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, क्या होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3। अब ये क्या है जब हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे तो क्या होगा निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे मैंने एक गुंसर बर्नर लिया है, इसमें ये देखो तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन है, इस टंक को मैंने पकड़ा, टंक से क्या किया मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा, नहीं तो क्या होगा हमारा हाथ जल जाएगा। ऐसे नहीं कि मैग्नीशियम रिबन को ऐसे हाथ से ले जाके मैं क्या करूँ जला लेना, ऐसा नहीं करना। फिर इसके नीचे मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे एक डिश रख दिया हूँ वाच ग्लास जिसको बोलते हैं, कांच का एक ग्लास होता है
ठीक है। अब जब इसको मैं बर्न करता हूँ ऊपर से, देखो मैं यहाँ पे क्या किया, एक तो देखो हम इसको ऐसा नहीं कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं करना है, हवा में ले जाके करना है, मैं घर पे ही करना है, घर पे ऑक्सीजन तो मिलती रहती है सबको, नहीं मिलती तो हम कैसे जिंदा रहते। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो इसका रस निकले यहाँ पे निकलेगा ना देखो राख, तो वो क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके बीच रिएक्शन होगा। जैसे मैग्नीशियम था हमारा, ये रहा, मैं क्या किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया, तो क्या बन जाएगा ये MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है, देखो मैं यहाँ पे 2 लगा दिए, अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप देखो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसके बीच हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, हमने इसको हीट किया, हीट का सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, हीट करने के बाद क्या बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का क्या बन गया ये ऑक्साइड, ठीक है यही लिखा। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एस, जो ये देखो एस आ रहा है ना तुम्हारा, टू फॉर्म इन द वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज पॉसिबल, अपने आई से क्या करने का थोड़ा दूरी रखने का, ऐसा नहीं मैं एकदम एक पास में जाके आँख एकदम घुसा के क्या करूँ उसको बर्न करूँ, नहीं नुकसान करता है। नाउ देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, देखो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बना, तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो रिएक्टेंट इसमें मालूम पड़ गया क्या होता है, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। नाउ बी ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कैसी, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर गूगल से लेके बनाया है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल बनाई हुई नोट्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, ये सब मैंने खुद से बनाया हुआ। तो देखो ये मैग्नीशियम रिबन, तो ये मैंने गूगल से लिया है, ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या है कि जब इसको बर्न करेंगे तो इस तरह की फ्लेम देगा, यहाँ पे तो आपको फ्लेम दिख नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा इमेज इसलिए मैंने आपको दिखाया कि देखो वाइट डेजलिंग चमकती हुई वाइट वाइट जैसी क्या दिख रही है इसकी फ्लेम दिख रही है, एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, अब देखो वाइट पाउडर में क्या हो रहा है, एक नीचे गिर रहा है इधर ये वाले फिगर में, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर ही क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ एयर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्टिविटी के लिए, सेकंड एक्टिविटी देखो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हमें रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, देखो जिंक को हमने भी पढ़ाया है लास्ट क्लास में, हमने भी पिछले क्लासों में देखो नाइन्थ में पढ़ा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, कॉपर हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कार्बन हुआ, ये सब के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसी तरह एक जिंक होता है, तो ये जिस जिंक को हम, और देखो दूसरा क्या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम H2SO4, ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये जिंक ग्रेनुअल, जिंक देखो SZN से डिनोट करते हैं, ग्रेनुअल मतलब उसके कुछ टुकड़े ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको फिगर में डिनोट किया है कि एक मैंने क्या लिया है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क, ये हमारा क्या है कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़े से जिंक के ग्रेनुअल्स मतलब टुकड़े डाल दिया मैंने, तोड़ तोड़ के क्या किया जिंक के टुकड़े अंदर डाल दिया, फिर मैं उस कॉर्क, देखो यहाँ पे मैं एक कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया, फिर ऊपर से एक मैंने ग्लास की ट्यूब डाल दिया पाइप जैसा, जिसमें से मैं क्या करूँगा इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, ठीक है। अब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो अब देखो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, देखो ये ZN H2SO4, तो देखो यहाँ पे ZN क्या होता है तुम्हारा प्लस 2 चार्ज होता है, और H2SO4 ब्रेक होगा H+ एंड SO4-2, तो ये देखो ये माइनस वाला ए प्लस वाला ये दोनों के बीच क्या होगा रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये तुम्हारा ZN प्लस 2 है, और H2SO4 किस में ब्रेक होगा H+ एंड SO4-2। अब ये आपने सीखा था केमिकल रिएक्शन बनाना, तो देखो ZN का कितना चार्ज है नाइन्थ में आपने सीखा था प्लस 2, और किसका है SO4, SO4 का कितना है -2, तो हम क्या करते थे इसको प्लस माइनस ध्यान नहीं रखते थे, इसका हम क्या करते थे ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर देते थे इसका इसके साथ, तो देखो ZN SO4 बन जाएगा ये, ठीक है, दोनों का क्या है ये चार्ज एक जैसा है इसलिए क्या होगा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ZN और SO4 कंबाइन हो गया, तो क्या बना दिए ये लोग
जिंक सल्फेट, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उससे क्या बन गया है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट। जो हाइड्रोजन गैस है, अब आपको देखो आप बोल रहे हो तो पूरा बीकर बंद कर दिया तो निकलेगी कैसे हाइड्रोजन गैस, आपको पता कैसे चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होगी, ये देखो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ग्लास का एक ट्यूब लगाया ना ये रहा, इसमें से क्या होगा हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। अगर हम इसके पास क्या करते हैं, एक यहाँ से मैं अगर ये देखो बीकर लगा दूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक ऐसे बीकर रख दूँ और ये ट्यूब को मैं ऐसा रख दूँ, इसमें मैं वाटर रख दूँ, तो क्या होगा इसमें से बबल्स आएंगे। अगर मैं हाइड्रोजन गैस अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे वाटर रख के क्या करो, बबल्स देखोगे यहाँ पे, जब एक गैस आएगी तो क्या होगा बबल्स जब आवाज़ करेगा ना, जैसे आवाज़। तो आगे देखो प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे देखो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दो चीज़ बन गई। आइडेंटिफिकेशन देखो, जब ये इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है ना तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है हीट, इसलिए दिस कॉनिकल फ्लास्क विल बी इट्स बिकम हॉट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस विच मैक्स मैच स्टिक बर्न विथ अ पेल ब्लू फ्लेम। अगर यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लाके आप अगर मैच स्टिक रखते हो क्या करेगा, बर्न होगा, कौन सा, पेल ब्लू फ्लेम के साथ, और कैसी साउंड आएगी, पॉपिंग साउंड। आपने यहाँ पे जो मैंने बोला ना, इसमें अगर आप करोगे तो क्या होगा, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है थर्ड एक्टिविटी, यहाँ पे देखो थर्ड एक्टिविटी भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन से समझाने के लिए प्रयास किया हुआ है। तो देखो थर्ड तुम्हारा है केमिकल रिएक्शन बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड को कैसे लिखते हैं ये रहा मैंने लिख के बताया केमिकल रिएक्शन। और देखो दूसरा क्या है आपका लेड क्लोराइड, लेड पीबी को हम क्या बोलते हैं लेड, इसके साथ क्लोरीन आ गया तो लेड क्लोराइड हो गया, ये तुम्हारा लेड क्लोराइड है। इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या बना, देखो ए बी ए क्या है तुम्हारा प्लस टू बनता है, इसको मैंने ब्रेक किया और क्या बनेगा प्लस में आई माइनस, ठीक है। फिर देखो ए पी बी प्लस टू यहाँ पे ये बनेगा, फिर क्या है ये सी एल माइनस, ये जो है इसके साथ चला जाएगा और ये क्या है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये इधर जाके देखो क्या करेगा आई वाले, ये देखो बी ए सी एल टू बना लिया यहाँ पे, और ये क्या करेगा देखो पी बी आई टू बना लिया। अब ये कैसे बनाते हैं पी बी आई टू, ये मैंने आपको बताया ए प्लस टू है, इसका चार्ज वन माइनस वन है, लेकिन हम वन ही लेंगे प्लस माइनस, तो इसके साथ ए होता है, इसके साथ ऐसे रिएक्शन, तो ये पी बी और ये टू इसके साथ जाएगा और कहाँ लिखते हैं हम नीचे यहाँ पे पी बी आई टू, इसी तरह क्या बनेगा बी ए सी एल टू का फॉर्मूला बनेगा। ये आपने नाइन्थ में सीखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन कैसा, तो मैंने बता दिया आप ऐसे थोड़ी मान लोगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ हूँ। तो देखो एक में मैंने क्या लिया, ये देखो यहाँ पे मैंने बेरियम आयोडाइड लिया है, दूसरा क्या लिया मैंने यहाँ पे लेड क्लोराइड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेड क्लोराइड में क्या करूँगा, धीरे धीरे देखो मैं यहाँ पे देखो बेरियम आयोडाइड डालते जा रहा हूँ, जैसे मैं आयोडाइड डाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपको क्या है रहा है येल्लो कलर का, यहाँ पे जैसे प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, जिस जो मान लो पूरी तरह से डिजोल्व ना हो सके, थोड़ा सा डाला मैंने थोड़ा सा हुआ, जैसे और डाला फिर देखो और ज़्यादा हो गया, फिर डाला मैंने तो क्या हो गया और ज़्यादा हो गया। फिर इसको क्या करो, अगर आप इस इन दोनों को सेपरेट करना चाहो तो क्या करो आप देखो फिल्टर पेपर ले लो या फिर कोई कागज़, एक तरह का फिल्टर पेपर मान लो, फिल्टर पेपर जो आता है एक तरह का पेपर जैसा ही होता है कागज़ जैसा, वो क्या करता है इसको फिल्ट्रेट करता है, छानता है इन दोनों को। तो जो भी तुम अगर इसको फिल्ट्रेट करना चाहोगे तो क्या करो, ये इसके ऊपर पेपर रखोगे, मान लो तुम्हारे घर में ऐसा एक होता है छानने वाला, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे पेपर रख दो, नीचे तुम्हें एक दूसरा ग्लास रख दो, यहाँ से डालते जाओगे तो जो भी वाटर वाले हो, जो भी वाइट कलर का जो पानी जैसा तुमको दिखे वो पानी नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है वो तुम्हारा ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड नीचे ग्लास में निकलेगा वाइट कलर का, और ऊपर जो होगा ए पी पी टी रह जाएगी किसकी, येल्लो कलर की। देखो बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का होता है और येल्लो प्रेसिपिटेट जो होता है वो तुम्हारा ये लेड क्लोराइड होता, लेड आयोडाइड होता है, ओके ठीक है। तो देखो अब आप लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमने इतना पढ़ लिया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन तो हो गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताया है। देखो पहली है इट इज़ एदर अकम्पनाइड बाई
चेंज इन कलर, या तो उसका क्या होगा चेंज कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम किसी भी दो चीज़ को मिक्स कर रहे हो उनके बीच रिएक्शन कैसे पता चलेगा, या तो उनका कलर चेंज होगा, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे थर्ड में बेरियम आयोडाइड वाला, और इट एदर लीड्स टू स्टेट चेंज, या तो उसका स्टेट भी चेंज होगा। इसमें देखो स्टेट चेंज हो रहा था ना, सॉलिड हो गया था वो जो येल्लो कलर का था, प्रेसिपिटेट था वो। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब, अब हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है अगर रिएक्शन करोगे, और या तो हीट को वो अब्जॉर्ब कर सके ऐसी। तो देखो अभी हमने जिंक वाला थियर पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, वोट हो रहा था ना, वो हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क था वो कैसा हो रहा था, गर्म हो रहा था, हॉट हो रहा था, मतलब क्या हुआ वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे तो गर्म हो, अब्जॉर्ब मतलब क्या होगा कूल होगा। देन प्रेसिपिटेट इज इट इज फॉर्म, यहाँ पे क्या है इफ नहीं आएगा इज आएगा, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट जैसे हमने अभी लास्ट वाले में देखा बेरियम आयोडाइड में क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। गैस इज रिलीज, गैस भी रिलीज होगी सेकंड वाले में हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड वाले में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगे, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, लॉकडाउन में सभी दोस्तों को क्या करो हेल्प करो, जिससे सब लोग क्या कर सकें आसानी से पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको इस केमिकल बैलेंसिंग करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स दो, और अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो मेरे क्या करना है वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी आपको इसमें ना समझ में आया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।